नमस्कार, आज हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कोलिजन थ्योरी, संघटन सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। The main points of collision theory are, first, collisions between reactant molecules, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको हम देख रहे हैं collision theory की। एक तो collision between reactant molecules के बीच में टकरें। दूसरी बात है activation of molecules, molecule activated हो मतलब कि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो। थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब वो टकराते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स तो सही अभिविन्यास में होने चाहिए, उनका ओरिएंटेशन सही हो, प्रॉपर डायरेक्शन में होने चाहिए। ये तीन बातें मुख्य हैं। अब जैसे हम दो प्रकार की रिएक्शंस देखते हैं, एक के अंदर अभिकारक एक ही है, जैसे एक ए प्लस ए, एक ही अभिकारक के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर बदल रहे हैं। इस अभिक्रिया की जो रेट है वो हम इस तरह से दिखाएंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब दूसरे प्रकार की रिएक्शन देखिए जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं अभिकारकों के, ए और बी, वो प्रोडक्ट के अंदर बदल रहे हैं, तो इसकी रेट को हम इस तरह से दिखाएंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अनुसार जो रेट है रिएक्शन की वो हम इस तरह से दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर लीटर, मतलब एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स वो कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं एक प्रति लीटर, इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव यानी प्रभावी कोलिजन्स का अंश, फ्रैक्शन, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है, ये कोलिजन थ्योरी के अनुसार है। तो हम रेट को इस तरह से दर्शा सकते हैं, रेट इज इक्वल टू जेड क्यू, यहाँ जेड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर लीटर है, और क्यू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर विच इज एक्टिवेटेड, मतलब एक्टिवेटेड जो अणु है उनका अंश, तो रेट इज इक्वल टू जेड क्यू। According to kinetic theory of gases, we can represent like this Z11. अगर similar type के molecules हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं Z11 is equal to 1 upon under root 2 pi sigma square n star square c bar। यहाँ पे देखिए ये Z11 जो हमने represent किया वो number of collisions per second है for similar molecules। जैसे हमने लिखा a प्लस ए वाली रिएक्शन, उसके अंदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड को हम Z11 से दर्शा रहे हैं। सिग्मा कोलिजन डायमीटर है, c बार जो यहाँ हमने लिया है ये एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, और n स्टार नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स पर मीटर है। तो ये जो q हमने लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज एक्टिवेटेड, इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं q इज इक्वल टू n स्टार अपॉन n। ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और n स्टार है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर है पर लीटर, तो और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर है। तो ये जो रेशियो है q, ये है नंबर ऑफ, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज एक्टिवेटेड, और इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं e^(-ea/RT)। अब ये हम देखते हैं कि ये c बार जो है ये एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज वेलोसिटी को हम देख चुके हैं इस गैसेस वाले चैप्टर के अंदर, गैसेस स्टेट के चैप्टर में, कि एवरेज वेलोसिटी √8RT/πm के बराबर होती है। अब देखिए अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सिमिलर हो तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हम इस तरह से दर्शा सकते हैं,
z11 is equal to 1 upon under root 2 pi sigma square n star square. हमने c bar मतलब average velocity की value रख दी है under root 8 rdm of pi n. अब इसको हम इस तरह से solve करके लिख सकते हैं, ये जो under root 2 है ये देखिए यहाँ 8 है, तो हम इसको इस तरह solve कर सकते हैं. ये solve करने पे प्राप्त होगा z11 is equal to 2 sigma square n star square और ये हो जाएगा under root pi rt upon n. तो इस तरह से ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है कोलिजंस ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स पर लीटर पर सेकेंड की वैल्यू हमें प्राप्त होती है. अब अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हों, जैसे हमने सेकेंड टाइप की रिएक्शन देखी थी ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा था, उसके अंदर दो प्रकार के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कोलिजंस पर सेकेंड हम इस तरह से दिखा सकते हैं जेड वन टू इज इक्वल टू एन वन इन टू एन टू सिग्मा वन टू स्क्वायर अंडर रूट एट आर टी अपॉन म्यू. अब ये जो म्यू है ये रिड्यूस मास है और ये इस तरह से निकाला जाता है वन अपॉन म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू. एम वन और एम टू ए और बी के मास है, क्रमशः ए और बी के मास है और इसका रिड्यूस मास हम इस तरह से ज्ञात करते हैं. तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे रिड्यूस मास की एम के स्थान पर, इसमें हमने एम रखा था, यहाँ हम रिड्यूस मास यूज करेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ हम ये जो ले रहे हैं सिग्मा वन टू, ये हमने एवरेज निकाला है कोलिजन डायमीटर का. ये जो वैल्यू है ये हम इस तरह से निकालते हैं सिग्मा वन टू इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू. हमने जो ए और बी के कोलिजन डायमीटर्स हैं मॉलिक्यूल्स के उनको टोटल करके दो से डिवाइड किया है, तो ये हमने इनका माध्य ज्ञात कर लिया है और ये हम यहाँ यूज करेंगे z12 is equal to n1 n2 sigma 1 plus sigma 2 pi 2 square under root 8 pi rt upon mu. तो इस तरह से अगर different type के molecules हैं reactant के A और B अलग अलग type के हैं, तो हम ये वाली equation काम में लेंगे equation number 4. अब जो rate है वो हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू कोलिजंस पर सेकंड पर लीटर इनटू इनटू हम कहते हैं सक्रिय जो टक्कर है उनका अंश, जो इफेक्टिव टक्कर है उनका अंश. तो इसको हम ये जो है ये हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी से दर्शाते हैं. ये जो इफेक्टिव टक्कर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी ये के बराबर होती है और इनको हम दर्शाते हैं ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी से. तो अब हम रेट को इस तरह से लिख सकते हैं, अगर सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो उस स्थिति के अंदर रेट को दर्शाएंगे z11 into q is equal to, देखिए ये हमने z11 की वैल्यू रखी है और q की वैल्यू हमने याद की है e raise to minus t upon rt. तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमें प्राप्त होती है. अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग तरह के, तो उस केस के अंदर हम रेट को इस तरह से निकालेंगे z12 ये यहां से वैल्यू रखेंगे into e raise to minus e upon rt, ये क्वेश्चन नंबर 6. तो इस तरह से हम रिएक्शंस की रेट को निकाल सकते हैं. पहली प्रकार की वो रिएक्शन हमने देखी है जिनके अंदर दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं एक ही तरह के हैं, और दूसरी प्रकार की वो रिएक्शन देखी है जिसके अंदर दोनों जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं. अब देखिए ये जो रेट होती है जिसके अंदर फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं उनके लिए हमने देखी थी किस तरह से हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे, और यदि हम ये जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल प्रति लीटर ले लें अभिकारक की, तो
हम इसको रेट को ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के बराबर। और रेट को हमने अभी देखा है कोलिजन थ्योरी से, रेट को हम लिख सकते हैं जेड क्यू के बराबर, तो के इज इक्वल टू जेड क्यू के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अलग अलग ले रहे हैं, यानी दूसरी टाइप की रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम ए और बी की कंसंट्रेशन को 1 मोल प्रति लीटर ले लें तो ये रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। और अभी हमने देखा कोलिजन थ्योरी से जो रेट है उसको हम जेड क्यू के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ जेड तो है कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर और क्यू प्रभावी टक्करों का अंश है। तो ये जो ऐसे हम के की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू जेड इंटू माइनस ई अपॉन आर टी। हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये वैसी ही है जैसे आर एन एस ने इक्वेशन दी थी, तो वो सिमिलर रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। कोलिजन थ्योरी से भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं जो आर एन एस थ्योरी से प्राप्त हुए थे, सिमिलर टाइप की हमें जो इक्वेशन प्राप्त हो रही है। अब ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया और इसको मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का नाम दिया गया। इसमें क्या है कि जो टकरे होती है वो इसमें यह सुधार किया गया कि वो सही ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, तभी वो प्रभावी टकरें होंगी, सही दिशा में होंगी वो, तभी वो प्रभावी टकरें होंगी। इसके अलावा भी इसमें यह है कि इस अब भी इस थ्योरी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को है वो पूरी तरह से ऐसे मान के कि वो ठोस बोले हैं, केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी मान ली गई, स्थानांतरण की ऊर्जा को कि इन टोटल एनर्जी मान लिया गया। लेकिन ये तो केवल सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी भी होती है, इसलिए फिर हम देखते हैं कि इस जो इक्वेशन है इसको मॉडिफाई किया गया और इसको इस रूप में दिया गया के इज इक्वल टू टी जेड इसके जो इसके अंदर पी जो काम में आ रहा है इसको हिस्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेज फैक्टर। तो ये है कोलिजन थ्योरी।